हाय किस टुडे आई एम टेकिंग अप लास्ट लेक्चर में अगर आपको ध्यान हो हमने डिस्कस किए थे ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर कॉर्डिलेटर के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वे डिस्कस्ड अप आज हम कॉर्डिलेटर के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे नॉट ऑल ठीक है नाउ एट के अंदर जो द बेस्ट क्वेश्चन विच आई फाइंड एड दैट अज नाइन्थ है एंड वन मोर क्वेश्चन वी हैव इट दैट आई नोट टेक अप टूडे पहले नाइन्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में मेरे को क्या कहा गया क्वेश्चन में क्या कहा गया ही सेइंग व्हाट दिस इज अ पैरलोग्राम इन अ पैरोग्राम ए बी सी डी पॉइंट पी एंड क्यू आर आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू डी पी इज इक्वल टू बी क्यू मेरे को ये कहा गया ये वाली जो लाइन है ये वाली जो लाइन है दैट इज़ इक्वल टू बी क्यू इन दिस ये वाली लाइन ध्यान से देखना मैं येलो से शेड कर रहा हूँ ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है हाँ ए बी सी डी पैरलोग्राम है अगर वो ए बी सी डी पैरलोग्राम है तो ये भी क्लियर हो गया ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी और तीसरा मेरे पास क्या आ गया ये ये वाली साइड इसके बराबर है ठीक है उसने मेरे को, को प्रूव करना उसके हिसाब से देखूं तो मेरे पास ये वाला एंगल एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू आई गेट इट दैट इज फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नाउ आई द क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नाइन लेते हैं ध्यान से देखें क्वेश्चन नाइन इन ट्राइंगल इंट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल ट्राइंगल सी क्यू बी एपीडी एंड सी क्यू बी अब मेरे पास एपीडी में मेरे पास क्या आया यहां पर वट ही सेंग इट अप इन दिस केस दट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी ऑपोजिट साइड्स बिकॉज ऑपोजिट साइड्स

एंगल्स किससे मेरे पास इक्वल आया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देन वट वी हैव नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है इज इक्वल टू सॉरी ये AD के अंदर है तो एडी के अंदर बी क्यू नहीं आएगा दूसरे वाले बी क्यू आएगा दैट मीन्स आई विल गेट पी डी पी डी इज इक्वल टू बी क्यू पी डी इज इक्वल टू बी क्यू गिवन ये दिया हुआ है अगर ये दिया हुआ है तो ट्राइंगल ए पी डी इज वट वी गेट दैट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी दैट वी गेट इट फ्रॉम साइड एंगल साइड से दीज टू ट्राइंगल वट वी हैव कॉन्ग्रेंट अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है बाई साइड एंगल साइड देन सी पी सी टी से वट आई गेट आई गेट इट सी पी सी टी से मेरे पास क्या आएगा ध्यान से देखें अब मेरे पास यहाँ पे क्या है ग्रीन से आई एम जस्ट मार्किंग इट आउट सी पी सी टी से आएगा ए पी इज इक्वल टू सी क्यू सी पी सी टी से क्या आएगा ए पी इज इक्वल टू सी क्यू दैट वी गेट इट नेम दिस इक्वेशन वन दैट वी टेक अप एज सी पी सी टी ठीक है इसको आई एम जस्ट राइटिंग डाउन विद रेड ताकि दोबारा कहीं पे इक्वेशन लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा ढूंढ पाना नाउ व्हाट आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट केस ये मेरे पास पहला पार्ट हो गया ये फर्स्ट पार्ट भी हो गया सेकंड पार्ट भी हो गया नाउ लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट हम किस पे आते हैं इसके अगले पार्ट पे आते हैं अगला पार्ट मेरे पास क्या लिया इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्रा दूसरा कौन सा ट्राइंगल एंड ट्राएंगल सी पी टी सी अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे अब नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पे आते हैं इसको आई एम जस्ट रबिंग अप दिस पोर्शन ताकि आपको देखने में फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है नाउ व्हाट आई हैव इट अप इन दिस केस मेरे पास एल पे क्या आता है लाइक नाउ आई एम टेकिंग अप मेरे पास ये ये हमारे को बोला हुआ है ये दोनों बराबर हैं ए क्यू बी ए क्यू बी में मेरे पास पहला पार्ट क्या लेंगे दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी सी एज

इंटीरियर एंगल्स ये दोनों क्या है इक्वल है. है? तो है तो आई से ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी डी ये दोनों से इक्वल है दैट वी गेट इट फ्रॉम साइड एंगल साइड से दीस टू ट्राइंगल्स आर वॉट कॉन्ग्रेंट अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं देन सी पी सी टी से मेरे पास क्या आएगा ध्यान से ग्रीन से मार्क कर रहा हूं ए क्यू इज इक्वल टू पी सी क्या आएगा ए क्यू ए क्यू इज इक्वल टू पी सी दैट इज वॉट वी टेकअप एज इक्वेशन टू वी गेट इट फ्रॉम दिस इज सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेन ट्राइंगल आर इक्वल ठीक है Now, अब मेरे अगर आप ध्यान से देखेंगे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों खत्म हो गए पास क्या आता है फ्रॉम टू फ्रॉम वन एंड टू अगर टू को अगर आप दैट इज एपीसी पैरलोग्राम इज अलोग्राम बिकॉज बोथ पेयर ऑफ बोथ पेयर ऑफ पेयर of opposite sides are equal okay both pair of opposite sides are what we have it we have it equal okay don't pair of opposite side equal and so from there i prove it up it is a parallelogram this is what we have it as a first part of it okay now we'll take up the next question of the same exercise with you they can they can next question But this is a question number

कंस्ट्रक्शन में वॉट आई ऑन पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन अ लाइन थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन सी पी थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन सी पी पैरल टू सॉरी पारल टू ए डी इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस एट बी ठीक है अब मेरे पास यहां पर क्या आता है नो नाउ एज स्टार्टअपूफ अब मैं प्रूफ यहां से शुरू करता हूँ देट इज अ प्रूफ आई एम स्टार्टिंग अप्रॉम हेयर प्लीज टेक हेयर ये ये कंस्ट्रक्शन था प्रूफ आई एम स्टार्टिंग अप्रॉम ध्यान से देखते जाना आप इसको केफली इन दिस नाउ अब मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या आ गया ए पी और डी सी भी आपस में पैरल है एडी और सी पी भी आपस में पैरल है अगर ये दोनों आपस में पैरल है अगर ये दोनों आपस में पैरल है तो एज से इट इज अ पैरलोग्राम ठीक है एज ए डी इज पैरल टू पी सी एंड And what we get uh, AD? hogya AP. Is parallel to uh, AP. Is parallel to DC. So, so what we get from here? AB, uh, not a B a P a P C D is a parallelogram. ये क्या है पैरलोग्राम है पैरलोग्राम में हमारे पास क्या आता है वी हैव अ रूल इन द दैरलोग्राम दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल सो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर मेरे पास यहां पे क्या आता है और आई कैन से दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू पी सी ए डी इज इक्वल टू पी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी दिस इज गिवन ये मेरे पास गिवन है ये मेरे पास क्या आया ये वाला पोर्शन कहां से आया ये मेरे पास आया बिकॉज इट इज अ पैरलोग्राम वहां से आया नाउ दिस एम्प्लाइस ये मेरे को क्या अप्लाई करता है दिस एम्प्लाइस बी सी इज इक्वल टू पी सी बी सी और पी सी आपस में इक्वल है बड़े ध्यान से आप देखना इधर केयरफुली अगर इन ट्रैंगल अगर मैं इसको लेके चलू ये वाला एक ट्रैगल कंसिडर कर लू इन ट्रैंगल दिस वट आई गेट अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है कौन कौन सी दोनों साइड ये वाली और ये वाली साइड अगर आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे दैट इज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ठीक है ना आई होप आई आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन फाइन ना वट आई गेट फ्रॉम हेयर मेरे पास क्या आता है इंट्राएंगल इंट्रा एंगल बी पी सी वट आई गेट फ्रॉम हेयर बी सी इज इक्वल टू पी सी So, what I get from here, BC is equal to PC. Uh, this implies angle 1, BC. So, that means angle 2 is equal to angle 1. Uh, consider this one as equation 1 uh, because what uh, is ka reason? What is the reason? Because uh, angle opposite to equal sides are equal. Angle opposite to equal sides. साइज आर इक्वल ठीक है अब यहां पे ना एक और चीज ध्यान से देखना जैसे मान लो मैं यहां पे लेता हूं ये मेरे पास वन इज इक्वल टू टू प्रूव हो गया ये आई टेकन एस थ्री दिस दिसम टेकिंग अप एस फोर, ये मैं लेके चल रहा हूं ध्यान से देखना अब मेरे पास यहां पे क्या आता है एज बीसी ऑन एपी बी सी किसके ऊपर स्टैंड कर रहा तो है ए पी के ऊपर स्टैंड कर रहा है तो आई से वन प्लस है? एंड आई नेम दिस एज वॉट इक्वेशन टू ये पहले वाले को मैंने नाम दिया था दिस इज इक्वेशन वन दिस इज इक्वेशन टू नाउ वट अगेन आई हैव इट अप इन दिस केस एज ए डी इज पैरल टू सी ए डीज पैरल टू पी सी एंड एपी इंटरसेक्स एम एपी इंटरसेक्स एम एपी इंटरसेकट करता है तो आई सी वट आई हैंगल फोर प्लस एंगल टू इज इक्वल टू वन एटी डिग्री दैट अगेन आई गेटेड फ्रॉम नॉट लीनियर पेयर दियर एंगल ये कहां से आएगा दैट आई गेटेड फ्रॉम को इंटीरियर एंगल से मेरे पास ये आया ठीक है आई विल कंसिडर दिस वन एज इक्वेशन थ्री फाइन फ्रॉम टू एंड थ्री अब दोनों का सम वन एटी है फ्रॉम टू एंड थ्री टू और थ्री से मेरे पास क्या आता है टू और थ्री से आई गेट वॉट एंगल वन प्लस थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल टू एंगल वन प्लस थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल टू अब ध्यान से देखना मेरे पास ऊपर क्या दिया हुआ है ऊपर मतलब इक्वेशन वन में मेरे पास क्या दिया हुआ है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर प्लस वन ये मेरे पास क्या आया फ्रॉम इक्वेशन वन ठीक है अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वन से वन को काट देता हूँ तो मेरे पास क्या बचा एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर दैट इज वॉट इज द फर्स्ट प्रूफ दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ठीक है नाउ इसको इस वाले पॉइंट को आई अप कंसिडरअप इक्वेशन फोर ये मेरी कौन सी इक्वेशन थी दिस इज एक्वेशन फोर नाउ अगेन आई टेक अप इन दिस केस एज ए बी ध्यान से देखें एज ए बी इज पैरल टू ए बी इज पैरल टू किसके पैरल है सी डी एंड ए डी इंटरसेक्शन ए डी इंटरसेम तो आई गेट वेकअप मैं इसको इस वाले को नाम क्या देता हूं फाइव नाम दे देता हूं अगर मैं ऐसा करता हूं अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास क्या टू वन एटी डिग्री दैट इज अगेन को इंटीरियर एंगल ठीक है सिमिलरली मेरे पास क्या आया सिमिलरली सिमिलरली मेरे पास क्या आएगा आई गेट एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री दैट आई गेट एट फ्रॉम को इंटीरियर एंगल्स ठीक है ना वट आई गेट फ्रॉम हेयर मेरे पास ये क्या है दिस इज अक्वेशन नाम्बर फाइव एंड दिस आई टेक अप एज इक्वेशन नाम्बर सिक्स ये मेरी इक्वेशन सिक्स है ना वट वट आई गेट फ्रॉम हेयर मेरे पास यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे ध्यान से देखना है इसके अंदर आई आई जस्ट टेक अप ऊपर की तरफ ना वट आई गेट फ्रॉम हेयर मेरे पास यहाँ पे क्या आता है एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स हो गया तो मेरे पास ऊपर क्या आएगा लाइक वट आई गेट फ्रॉम हेयर एंगल फोर प्लस सॉरी फ्रॉम फाइव एंड सिक्स फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड सिक्स अगर मैं इक्वेशन फाइव और सिक्स को देखूंगा तो मेरे पास क्या आता है एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स अब यहाँ पे अगर बड़े ध्यान से अगर आप ऊपर व्यू करेंगे तो एंगल थ्री और एंगल फोर बराबर है तो से एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स दैट वी गेट इट फ्रॉम इक्वेशन फोर ठीक है फोर एंड फोर गया दिस कम्स आउट टू बी वट आई गेट फाइव इज इक्वल टू सिक्स तो दैट मीन्स आई गेट इट वट वी हैव एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी एंगल डी जो है एंगल सी के बराबर है एंड आई एम कंसिडरिंग दिस वन एज इक्वेशन नंबर सेवन बड़ी सारी इक्वेशन होगी सात तक पहुंच गए देखें नाउ लुक इन टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट हमारे पास क्या है अब हमारे पास अगर आप ध्यान से किए अब हमें कॉन्गोरेंसी प्रूव करनी है कॉन्ग्रेंसी किसकी लेनी है मैं थोड़ा सा लाइक एक फिगर को एक बार दोबारा रब करूँगा एंड देन आई एल राइट इट डाउन अगेन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मेरे जो यूज में आने वाले हैं वो मेरे पास क्या था एक तो वन है और दूसरा मेरे पास क्या है लाइक आई हैव दिस पॉइंट लाइक मेरे पास ये वाला पॉइंट है ए इज इक्वल टू बी एंड डी इज इक्वल टू सी ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इसके ऊपर जो तो मैंने इक्वेशन को नाम दिए वो है ठीक है नो आई आई एम जस्ट रबिंग आउट दिस फिगर ध्यान से देखें इस फिगर को ठीक है अब मेरे पास क्या बोला उसने बोला ट्रैंगल ए बी सी लेट्स टेक अप अ ट्रैंगल ए बी सी ए बी सी इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट वाला कौन सा ट्राइंगल है दैट इज वॉट बी ए डैट इज वॉट बी हैव इसी के ऊपर से इसी के साथ साथ लाइन ले जा रहा हूँ ठीक है ये और ये यहाँ पे ए बी इज कॉमन ठीक है नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हेयर मेरे पास क्या अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करूँगा तो मेरे पास ए बी तो कॉमन हो गया ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी तो ऐसे दीसरो ट्राइंगल कॉन्ग्रेन सी पी सी टी से आई गेट डाइगनल ना वट आई गेट फ्रॉम हेयर इट्स वेरी सिंपल ना इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी एंड नेक्स्ट वट वी हैव द ट्राइंगल एज वट वी गेट एंड वॉट वी हैव बी ए डी अगर आप इसको लेके चलेंगे यहां पे क्या आ रहा है ए बी इज इक्वल टू ए बी That was given. Sorry, not given. It is common. AB is equal to AB. It is common. Now, next we have it up. Angle A is equal to angle B. Angle A is equal to angle B. Lelo ya yeah, uh, four lelo from from equation four. ठीक है वो मतलब उसके नीचे यहाँ पे ये इस पॉइंट से हाइव टेकन उसको अलग नाम दे सकते हैं बट मैं अभी तक उसी को यूज़ करता आया हूँ थ्री और फोर को तो हाइव टेकन डायरेक्टली आप नाम थ्री और फोर भी दे सकते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट वॉट वी हैव इट अप इन दिस केस दैट इज वट वी गेट ए डी इज इक्वल टू ए बी सी है ना ए बी सी में ए डी नहीं आएगा बी सी आएगा वट आई गेट फ्रॉम हेर बी सी इज इक्वल टू ए डी देट इज गिवन ये क्या है दिस इज गिवन टू अस अगर ये गिवन है मेरे पास तो ये क्या आएगा ट्रायंगल ए बी सी इज वट आई गेट फ्रॉम हेयर कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए टी दैट वी गेट इट फ्रॉम वट वी गेट एस 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 से ये क्या आ गया कांग्रेंट आ गया तो सी पी सी टी से वट आई कैन हैव इट आउट नाउ मेरे पास सी पी सी टी से क्या आएगा डायगनल ए सी डायग्नल ए बी सी है ना ए सी ए सी इज इक्वल टू वट आई गेट बी टी दैट वी गेट इट फ्रॉम सी पी सी ठीक है तो दिस वॉज माई थर्ड एंड फोर्थ प्रूफ ये मेरा तीसरा और चौथा प्रूफ था सो टेक केयर एवरीबडी दिस वॉज लिटल एंग दी थोड़ा सा हमने स्लो भी किया इंटेंशली स्लो किया ताकि आपको समझ में आ सके हाँ किसी को लगे बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके इसको देख सकते हैं मतलब वन की जगह वन पॉइंट फाइव पे या टू पे चला के इसको देख सकते हैं ताकि उसको हम स्पीड अप कर जाएँ सो टेक केयर एवरीबडी सी इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय